खरगोन शहर के पीजी कॉलेज में बुधवार को प्रवेश सीट वृद्धि सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर धरना भी दिया। हंगामा बढ़ने की सूचना पर नायब तहसीलदार भी पहुंचे और छात्रों को समझाइश का प्रयास किया, लेकिन छात्र सीट वृद्धि की मांग पर अड़े रहे। छात्र भागीरथ खतवासी ने बताया कि मेरिट लिस्ट वाले विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हैं। उनकी मांग है कि गर्ल्स कॉलेज को कॉमन किया जाए, जहां लड़के लड़की दोनों प्रवेश ले सके। इसके अलावा छात्रवृत्ति में भेदभाव किया जा रहा है। एटीकेटी और रीचेकिंग के नाम पर लिए जा रहे शुल्क को मुक्त किया जाए, जैसी मांगे शामिल है। प्राचार्य डीडी महाजन ने बताया, सीटें बढ़ाना उनके कार्य क्षेत्र में नहीं है, उच्च शिक्षा विभाग निर्णय ले सकता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मी मांग पर कंटिन्यू लेक्चर हो, जिससे कि बच्चा शिक्षित हो और आगे भी जानकारी लेकर जाए, यही चाह रहे सर हम। मेरी 3 मांगे मुख्य मांगे सर। होम साइंस में है 300 बच्चे तो गर्ल्स का लड़कियां तो जा सकते हैं, लेकिन लड़कों का क्या सर? कितना परसेंट क्या बनती तो उनका क्या? मैं बोलूं महत्वपूर्ण मांग 25% सीटें बढ़ोतरी को लेकर। हमारे ग्रामीण से जितने भी आए हुए बच्चे हैं, शहर के ग्रामीण के आसपास के जितने भी बच्चे हैं, वो प्रवेश से वंचित हो गए। मेरिट के होने के बावजूद भी प्रवेश से वंचित रह गए, तो उनके लिए 25% की सीटों की बढ़ोतरी को लेकर हमने मांग की है। और दूसरी मांग, हमने गर्ल्स कॉलेज को कोविड किया जाए, मतलब गर्ल्स बॉयज़ कॉमन किया जाए। वहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली रहती है, तो बहुत सारे बच्चे बॉयज़ यहाँ से वंचित रह जाते हैं, एक दूसरी मांग वो है। तीसरी मांग आवास स्कॉलरशिप में कटौती को लेकर किया है, जिसमें बहुत से बच्चों की आवास स्कॉलरशिप की राशि समय पर नहीं डाली है, तो वो डाली जाए। चौथी मांग हमारी स्टेशनरी और पाठ्यक्रम की पुस्तकों को लेकर किया है। विगत 3 वर्षों से यहाँ पर हम छात्र छात्राएं बिना किताबों के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारी मांग थी। पांचवी मांग थी हमारी कि जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, अगर कोई हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता यहाँ पर, अगर कोई बच्चा अगर लड़ाई लड़ने जाता है तो उसको टारगेट पे लेकर उसको फेल कर देना या उसके साथ एटीकेट कर देना, उसके साथ भेदभाव या पक्षपात किया जाता है। ऐसे बहुत से संकाय में बच्चों को कम नंबर दिए जाते हैं। और एक मांग हमारी डीएवीवी से है कि डीएवीवी एटीकेटी के नाम पे और रीटोटलिंग के नाम पे 1000 रुपये अवैध वसूली करा जा रहा है, तो इसको निःशुल्क किया जाए, इसे बंद किया जाए। ऐसे मुख्यतः हमारी निम्नतम बहुत सारी मांगे थी जो हमने आज एसडीएम साहब से भी रखी है, और मुख्य मांग हमारी आवास स्कॉलरशिप, स्टेशनरी और अवैध वसूली और 25% सीटों को बढ़ोतरी को लेकर था, और गर्ल्स कॉलेज को कोविड कराने को लेकर था। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो बिल्कुल हम आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है और काफी अच्छा आंदोलन रहा है। अभी साहब से मिले आप, क्या आश्वासन मिला आपको जी? अभी आश्वासन क्या मिला साहब? आश्वासन वो बिंदु बात कर रहे हैं, कॉलेज प्रशासन और शासन दोनों बात कर रहा है, प्रशासन छात्रों के साथ भी बात कर रहा है, आश्वासन दे रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर बिल्कुल हमको यह रास्ता अपनाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ खतवासे है। मैं एक बात और बता दूं, MHW की और बहुत सी एग्जामें रुकी हुई है जिनकी नहीं हुई है, और यहाँ पर बहुत सारी पद खाली हैं, तो जन भागीदारी के माध्यम से भरे जाएं। मेरा नाम भागीरथ खतवासे है। यही किया है कि बच्चों के एडमिशन बिल्कुल नियमानुसार हो रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के हो रहे हैं। और जहाँ तक सीट बढ़ाने का बच्चों का क्वेश्चन है, प्रश्न किया है उन्होंने, तो सीट बढ़ाने के लिए हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगी। हम शासन को लिख देंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उसके पश्चात ही जो भी निर्णय लेगा शासन, वो यदि सीट बढ़ाना है तो शासन सीट बढ़ाने के लिए पोर्टल पर अपडेट कर देगा। पोर्टल पर अपडेट करने का काम मध्य प्रदेश शासन भोपाल का है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर, छात्रों की 6 सूत्रीय मांगे बता रहे हैं, वो सर उसमें क्या हो सकता है? अभी काफ़ी कुछ मांगे लोकल स्तर की है, तो वो तो साल हो गई है। छात्रवृत्ति की समस्या उन्होंने बताया है, तो छात्रवृत्ति की समस्या है, कई बार बच्चों को कई चीज़ें पता नहीं होती है। जिस दिन से उन्होंने किराए से मकान लिया है या रूम लिया है, उसी दिन से उनको आवास भत्ता मिलेगा। अब वो प्रवेश दिनांक से मांगते हैं, प्रवेश दिनांक क्या नहीं है, या तो प्रवेश दिनांक बाद की हो तो उनको उस दिनांक से मिलेगा। दोनों बच्चों ने जुलाई में एडमिशन लिया, 1 जुलाई को लिया, लेकिन एक ने किराए से मकान लिया 1 अगस्त को और एक ने लिया 1 जुलाई से, तो उसको जुलाई से मिलेगा। ये शासन की नीति है। अब ये बच्चों को कई चीज़ें पता नहीं रहती है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। प्रशासन में भेदभाव किस प्रकार का कोई है ही नहीं। कोई ट्रांजिशन कैश नहीं होता, सारा ट्रांजिशन जो होता है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा होता है, तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं है। और यदि बच्चे की कोई समस्या है तो वो आकर के मिले, यदि उसकी समस्या का कोई समाधान है, निश्चित तौर पर समाधान है, हम उसका समाधान करेंगे।
सर बच्चों की शिकायत है कि जो आवास और स्कॉलरशिप कट के आ रही है, उसका कारण मैंने बता दिया अभी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आवास जिन्होंने लिया है, मान लीजिए उन्होंने एडमिशन 1 जुलाई को लिया है और वो 1 सितंबर से मकान लेते हैं या रूम लेते हैं, तो उनको 1 सितंबर से मिलेगा किराया, तो इसलिए उसको लगता है कि मैंने भी एडमिशन लिया और इसने भी लिया और इसको ज़्यादा मिल रही मुझे कम मिल रही, तो वो आकर के हमसे बात करे तो हम उसको समझा देंगे कि सही कारण क्या है, कारण बिल्कुल स्पष्ट रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।